आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ टीएस ऑफ डाइकोट लीफ पासिंग थ्रू द मिड रिफ इज गिवन बिलो सर्टेन पार्ट्स हैव बीन इंडिकेटेड बाय द अल्फाबेट्स चूज द आंसर इन व्हिच दिस अल्फाबेट्स हैव बीन करेक्टली मैचड विद द पार्ट्स व्हिच दे इंडिकेट इस क्वेश्चन के अंदर हमको एक डायग्राम दे रखा है जो कि डाइकोट लीफ का है जो मिड ड्रिफ्ट से पास हो रही है ठीक है और उसके अंदर अल्फाबेट दे रखे और हमको पूछा गया है कि वो कौन से पार्ट को करेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं तो जो, जो ए पार्ट दे रखा है वो है एपिडर्मिस का क्योंकि सबसे ऊपर की लेयर पाई गई है लीफ के अंदर जो कि एपिडर्मिस के अंदर होती है बी इस पेलीसर्ड पेरेंकाइमा है क्योंकि ये डायग्राम किसका है डाइकोट लीफ का और डाइकोट लीफ के अंदर जो लीव होती है वो स्टेम से नाइन्टी डिग्री के एंगल पर रहती है तो इसलिए उसकी एक ही डायरेक्ट मतलब कि अपर पार्ट के ऊपर ही सनलाइट ज्यादा गिरती है और इसलिए उसका जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो स्पंजी एंड पेलीसाइड पेरेंकामा के अंदर डिवाइड होता है तो जो बी रिप्रेजेंट कर रहा है वो पेलीसाइड पेरन का रिप्रेजेंट कर रहा है सी है यहाँ पर वो स्पंजी पेरनकाइमा को रिप्रेजेंट करता है डी यहाँ जो एक केविटी पाई जाती है नीचे की साइड में उसे बोलते हैं सब इस्टोमेटल केविटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाई डी ई e रिप्रेजेंट कर रहा है गार्ड सेल को क्योंकि डाइकोट लीफ के अंदर क्या होता है कि जो इस्टोमेटा होते हैं वो उसकी जो लोअर सरफेस होती है ज्यादातर उसी पे पाए जाते हैं इसलिए गार्ड सेल का प्रेजेंटेशन है वो भी कहां पर होगा लोअर साइड के ऊपर होगा जो कि ई e में ई e से दिखा रखा है एफ है फ्लोयम एंड जी दे रखा है वो है मेटाजाइलम एंड एच इज प्रोटो जाइलम इसलिए इस क्वेश्चन इस का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टू बिकॉज दिस ऑल आर मैचिंग विद दिस रेस्ट ऑफ दी ऑप्शन गिवन आर इनकरेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन क्लास से ट्वेल्थ से लेके नीट आईआईटी, आई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटा या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ पर